आप हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अपॉइंटमेंट लेना, लोगों को इनवाइट करना मीटिंग के लिए, अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो लेट मी टेल यू, आपका जो मोदी के का करियर का पाथ है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और आपका बिजनेस पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। सो आज के इस प्रोग्राम में आगे आने वाले तकरीबन आधे घंटे में, आधे घंटे से लेकर 35 मिनट 40 मिनट में हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स फॉर योर डिजिटल मीटिंग्स। आजकल आप जूम के ऊपर, यूट्यूब फेसबुक के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, और कैसे आप वन ऑन वन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नाउ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस लिंक को जो आप देख रहे हैं शेयर कर दें, अपनी टीम में फैला दें, बिकॉज वी वुड वॉन्ट कि आपकी टीम इस ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द ट्रेनिंग, मैं देखना चाहूंगा YouTube पे जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं, आर यू रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग? इफ यू कैन से यस यू आर रेडी, देन वी कैन स्टार्ट। कैन यू राइट यस इन द चैट बॉक्स? एंड आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, लेट मी सी इफ एवरीबडी इज रेडी। आई कैन सी फ्यू यस, ओके। और आप अगर मेरी आवाज को भी सही तरीके से सुन पा रहे हैं, ब्रिलियंट। और अगर आपने शेयर कर दिया है तो भी यस लिख दीजिए, ग्रेट। नाउ सो इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मेरा आप सबके लिए एक सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर YouTube पे दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि अमेरिका की खोज, अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था? अमेरिका की खोज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस समय ऑफकोर्स यूएसए नहीं था, अमेरिकास था, तो अमेरिका की खोज किसने की थी? किस ट्रेवलर ने, किस नेविगेटर ने अमेरिका की खोज की थी? अगर आपको मालूम है तो आप जरा यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखिए, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। और अगर नहीं मालूम तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट की पावर को यूज कर सकते हैं, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने खोज की थी अमेरिका की? ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू आंसर्स। वेल आई थिंक थोड़ा सा लैग है हमारे जूम में, वीडियो में और यूट्यूब में, तक जब तक ये आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल टेल यू, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, उनका नाम था, आप सबने सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, यस मनोज कुमार जी आपने एकदम सही लिखा, अब मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। प्रीति गुप्ता जी, माधवी जी, यू आर राइट, गौरी अग्रवाल जी, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ब्रिलियंट। नाउ कोलंबस जो है इटालियन था, कोलंबस इटली में रहता था, तो उसका ऐसा क्या रीजन था उसके पास कि वो इटली से इतने समय पहले समुद्रों की, 7 समुद्रों की यात्रा करके अमेरिका पहुंच गया? ऐसा क्या रीजन रहा होगा उसके पास? और हमें मालूम है समुद्रों में तो काफी डाकू भी रहते होंगे उस समय, काफी खतरनाक वो ट्रेवल रहा होगा। सो उसने ऐसा क्या सोचा, क्या उसका रीजन, क्या मोटिवेशन, क्या होगा उसके दिमाग में, क्या चल रहा होगा कि वो इटली से निकला और 7 समंदर पार करके वो अमेरिका पहुंच गया? क्या लगता है, व्हाट कुड बी द रीजन? कोलंबस के पास ऐसा क्या कारण रहा होगा, क्यों उसने ये यात्रा करी? और नेचुरली जब उसकी यात्रा पूरी हुई तो उसने अमेरिका ढूंढा, बट व्हाई ही ट्रेवल्ड ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। कोलंबस इटली से निकल के अमेरिका सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि कोलंबस के दिमाग में, मन में जिज्ञासा थी। ही वॉज क्यूरियस, वो जिज्ञासु था, वो जानना चाहता था कि दुनिया में क्या क्या है। उसके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, वो जिज्ञासु था, वो क्यूरियस था, इसलिए इतनी खतरनाक यात्रा पे वो निकला इटली से, और पता नहीं कितने महीनों सालों की यात्रा करने के बाद वो पहुंचा होगा अमेरिका, और इस तरह से उसने अमेरिका डिस्कवर किया। नाउ अभी जो हमने ये बात करी है कोलंबस की, कि वो इटली से निकला और अमेरिका पहुंचा, और वो इसलिए पहुंचा क्योंकि वो जिज्ञासु था,
इस बात को याद रखना, क्योंकि जो हमने बात करी है कि वो क्यूरियस था, अपनी क्यूरियोसिटी के कारण वो इटली से निकला और अमेरिका पहुंचा, इसी पूरे प्रिंसिपल के ऊपर हम इनविटेशन स्किल्स की बात करेंगे, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें. दिस इज द वन प्रिंसिपल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी शेयर द स्क्रीन. Now, I hope you all can see the screen here. So, invitation skills. Today, we're going to learn about the art and the science. क्योंकि जो कोई भी स्किल जो होता है उसमें कला भी होती है लेकिन उसमें विज्ञान भी होता है. और आज हम invitation skill की दोनों चीजें सीखने वाले हैं, कला भी और विज्ञान भी. और जैसे कि मैंने आपसे बात करी, कोलंबस इटली से निकला और अमेरिका पहुंच गया सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के कारण. वो ये जानना चाहता था कि सात समंदर पार क्या है. इनफैक्ट हर एक बड़ी इन्वेंशन जो भी हुई है इस दुनिया में अभी तक, वो हुई है सिर्फ लोगों की क्यूरियोसिटी के कारण. एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, जिज्ञासा पैदा कर सके. एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्यूरियस होता है, यानी कि वो जिज्ञासु होता है. आप सबको याद होगी एक मूवी जो बहुत समय पहले आई थी, उसका नाम था बाहुबली. बाहुबली देखी आप सबने? कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? रेज योर हैंड्स, मे बी से यस इन द चैट बॉक्स. आई नो ऑलमोस्ट सब ने बाहुबली देखी है. बाहुबली 1 आई, बहुत हिट हुई. और जब बाहुबली 2 आई, बाहुबली 2 तो बाहुबली 1 से भी ज्यादा हिट हुई. जैसे ही बाहुबली 2 रिलीज हुई, पूरे का पूरा इंडिया मानो जैसे थिएटर्स की तरफ भागना शुरू हो गया, दौड़ना शुरू हो गया कि यार बाहुबली 2 हमने देखनी है. एनी आइडिया व्हाई बाहुबली 2 ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स? क्यों बाहुबली 2 इतनी हिट मूवी हुई? ओनली बिकॉज कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी. पूरा भारत क्यूरियस था कि यार हमें ये बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों, बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा ने, ये जानना है हमें. और ये जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पूरा भारत बाहुबली 2 पहुंचने के लिए, देखने के लिए पहुंच गया. मुझे मालूम है बाहुबली 2 देखने के लिए मैंने खुद छुट्टी ली थी ऑफिस से, और आप में से भी कई सारे लोगों ने अपना जरूरी काम भी शायद आगे पीछे किया होगा कि बाहुबली 2 जाके देखनी है, क्योंकि पता करना है कि किसने मारा, क्यों मारा था कटप्पा ने बाहुबली को. जिज्ञासा थी, लोगों ने ब्लैक में टिकट्स खरीदी होंगी, पैसे खर्चे होंगे, पूरी पूरी फैमिली देखने गई. किस चीज को शांत करने के लिए? जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए. इनफैक्ट अभी जो नासा ने अपनी जो स्पेस शिप भेजी है मार्स, मंगल ग्रह पे नो रिसर्च करने के लिए, वहां पे पता करने के लिए मंगल ग्रह कैसा है, कैसी मिट्टी है, कैसा पानी है वहां पे या नहीं है, जो मंगल ग्रह पे रिसर्च करने के लिए जो स्पेसशिप भेजी है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस स्पेसशिप का नाम भी क्या है. उस स्पेसशिप का नाम भी है क्यूरियोसिटी, हिंदी में अगर अनुवाद करें तो जिज्ञासा. सो जिज्ञासा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को इटली से अमेरिका भेज दिया. जिज्ञासा ने पूरे भारत को थिएटर्स में भेज दिया. और अगर आप भी चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट, ध्यान से सुनिएगा आप इस मेरी बात को, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट, आपके संभावित ग्राहक जिनको आप मोदी के बिजनेस में लाना चाहते हैं, वो आपकी ऑपर्चुनिटी मीटिंग में आए, परिवर्तन में आए, वो आपकी डेमो मीटिंग्स में आए, वो आपके सेमिनार में आए, तो आपको किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा? आपको उनके मन में जिज्ञासा पैदा करनी होगी. अगर हम उनके मन में जिज्ञासा पैदा कर दें, इफ वी आर एबल टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड्स, तो क्रिस्टोफर कोलंबस तो क्यूरियोसिटी के कारण इटली से अमेरिका चला गया था, पूरा भारत चला गया था थिएटर्स में. और अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर दें, तो क्या वो एटलीस्ट अपने मोबाइल फोन पे जूम ओपन करके आपकी डिजिटल मीटिंग में आ सकते हैं? इतना तो कर पाएंगे, एब्सोल्युटली कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है अगर हमने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी तो.
क्योंकि क्यूरोसिटी ही सारे काम करवाती है, जिज्ञासा ही सारे काम करवाती है। अभी आप जहां पर भी बैठे हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे बताइए, जहां पर भी आप बैठे हो अपने घर में, अभी आपको आपकी घर के बाहर जो गली है वहां से कुछ तेज आवाजें आनी शुरू हो जाएं, तो आप क्या करोगे इस समय? आप बंद करोगे अपना मोबाइल फोन, कान में से निकालोगे ईयरफोन और सबसे पहले बाहर जाओगे कि देखें बाहर हो क्या रहा है। क्योंकि क्या पैदा होगी मन में? जिज्ञासा पैदा हो गई। आप समझ रहे हैं? तो अगर हमने अपने प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी तो वो भी हमारी मीटिंग में आएंगे। और अभी तो ऑफ कोर्स डिजिटल मीटिंग्स में आएंगे, लेकिन अगर आपने इनफ क्यूरियोसिटी पैदा कर दी तो वो आपकी होटल मीटिंग्स में भी आएंगे, पेड मीटिंग्स में भी आएंगे। तो कैसे जिज्ञासा पैदा करनी है, कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के मन में, ताकि अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करें तो 10 में से 10 लोग हमारी मीटिंग में आए। अगर हमने 10 लोगों को फोन किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि तो 10 में से 10 लोग हमें अपनी अपॉइंटमेंट दें। कैसे जिज्ञासा पैदा करनी है ये हम जानेंगे अगले हफ्ते 17 तारीख को 8 बजे। तो कितने लोग आना चाहेंगे अगले हफ्ते 17 तारीख को 8 बजे? वेल, जिज्ञासा को मैं खत्म नहीं करूंगा। कैसे जिज्ञासा पैदा करनी है, किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, ये आज हम अभी जानेंगे। अभी जानेंगे ऑफ कोर्स राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इनवाइट एंड हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। और जैसा कि मैंने बताया कि इट्स अ साइंस एंड आर्ट, तो इसके पीछे देयर इज अ प्रोसेस। और जो ये इनविटेशन का प्रोसेस है, इसमें 5 कदम हैं। देयर आर 5 स्टेप्स, we call it 5C of invitation, the science and art of the invitation, we call it 5C. 5C. Pehla C hai, isse hum kehte hain conversation, yani ki baatcheet karna. Dusra C hai, isse hum kehte hain compliment, yani ki tareef karna. Teesra C of course, isse hum kehte hain curiosity, aap dekh rahe hain, ekdam beech mein hai curiosity, yani ki jigyasa paida karna. चौथा सी है कंट्रोल, यानी कि क्यूरोसिटी को बरकरार रखना। बाहुबली की पूरी टीम ने यह लीक नहीं होने दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उन्होंने क्यूरोसिटी को बरकरार रखा, कंट्रोल बनाए रखा। कई लोगों ने उनसे पूछा होगा कि हमें बताओ बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा ने, उन्होंने लीक नहीं होने दिया, क्योंकि अगर लीक हो जाता, क्यूरोसिटी खत्म हो जाती, तो लोग बाहुबली 2 देखने ना जाते। और पांचवा सी है कमिटमेंट, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से कमिटमेंट लेना कि जो उन्होंने बोला है वो उस चीज के ऊपर करेंगे। तो जब भी हम अपने किसी प्रोस्पेक्ट को फोन करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उनको किसी मीटिंग में इनवाइट करने के लिए, तो हमने क्या बोलना है वो तो जरूरी है, लेकिन हम कैसे बोल रहे हैं ये भी जरूरी है। व्हाट वी से इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ वी से इट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और जो हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, इसके ऊपर 5 C हैं: कॉन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरोसिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद हम इसका एक लाइव रोल प्ले करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स की जा सकती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो ओवरऑल एक कोर्स है बिजनेस स्किल्स वर्कशॉप का, उसका ये पहला पार्ट है। इसके बाद कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो यू मे लाइक टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम कई सारे पार्ट्स इसके ऊपर करने वाले हैं। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना, एक कॉमन ग्राउंड बनाना, उनसे पहले उनके हालचाल के बारे में पूछना, फैमिली के बारे में पूछना, जैसे कि आप नीचे दिख रहे हैं फॉर्म लिखा हुआ है, एफ का मतलब है फैमिली, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, उनके काम के बारे में पूछना कैसा चल रहा है, आर का मतलब है उनका किस तरह से वो अपने समय स्पेंड कर रहे हैं, और एम का मतलब है मनी। तो आपने थोड़ा सा उनके हालचाल के बारे में पूछा, कॉन्वर्सेशन मींस उनसे हालचाल पूछो उनका। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, और जेन्युइन तारीफ करो अपने प्रोस्पेक्ट की। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आई एम श्योर आपका भी मेरी तरह दिल खुश हो जाता होगा, और हमें हायर पेडेस्टल पे पहुंच जाते हैं, और जो हमारी तारीफ कर रहा है उसके लिए हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। फिर क्यूरोसिटी पैदा करेंगे, जिज्ञासा पैदा करेंगे, कंट्रोल एंड देन कमिटमेंट।
नाउ इस पूरे प्रोसेस को अब हम एक रोल प्ले के थ्रू समझेंगे और मैं चाहूंगा कि जब हम रोल प्ले करें तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनना और एनालाइज करना कि हमने कौन कौन सा सी कहां कहां पर अप्लाई किया है। तो इस रोल प्ले के लिए मैं सबसे पहले यहां पे बुलाना चाहूंगा हमारे दिल्ली एनसीआर के ट्रेनर सौरभ जी को। और सौरभ जी मुझे बताएंगे कि सौरभ जी कौन कंसल्टेंट हैं हमारे बीच में जो अभी रोल प्ले करेंगे। सर फिलहाल हमारे बीच में रेनो यादव जी हैं जो हमारा रोल प्ले करेंगे आपके साथ, तो मैं उनको एक बार अनम्यूट कर देता हूं और उनका वीडियो ओके। सो हम दो रोल प्लेस देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच जो अभी हम रेनू मैम के साथ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक डायरेक्ट अप्रोच। सो अगर रेनू मैम आ चुके हैं मीटिंग में तो एक बार अपना माइक अनम्यूट कर दें और मे बी यस सर। ऑलराइट सो ये मैं ये शेयरिंग हटा देता हूं और गैलरी व्यू कर देता हूं ताकि ओके। सो रेनु मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ग्रेट। सो रेनु मैम थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए। हम पहली बार बात कर रहे हैं, हम इतनी बार मिले नहीं हैं, तो एक बार आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? ओके थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह। हां जी सर, मेरा नाम रेनु यादव है, फरीदाबाद से ससुराल है और दिल्ली में मेरा मायका है और मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। अच्छा, आज आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू मैम, सेम हियर। और स्कूलिंग वगैरह सारी दिल्ली से हुई है? हाँ जी, एजुकेशन वगैरह सब दिल्ली से ही है? यस सर। थे मोदी केयर में पहले जॉब भी करते थे या हाउस वाइफ ही है? मतलब अब तो आप बिजनेस वुमन है, प्लैटिनम है, बट हाँ जी सर। अच्छा, शुरू से ही, ओके, वेरी नाइस। तो मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? हाँ जी सर। और मेरा उद्देश्य है कि मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। ओके सर। आपके मन में जैसे आया वैसे बात करिएगा, ठीक है? आपके मन में जैसे आया वैसे ही बात करिएगा। और बस एक मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि आप खड़ूस कस्टमर मत बनना। कभी कभी मिलते हैं ना खड़ूस कस्टमर, जिनका जिन्होंने निर्णय किया होता है हमें तो बस ना ही बोलना है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी टेक्निक काम नहीं कर सकते। अगर आप, अगर हमें कोई, मैं सबको बता देता हूँ, अगर हमें कोई खड़ूस कस्टमर मिले तो आप उनको नमस्ते बोलो और अपना समय बचाओ, उसका भी समय बचाओ। ओके, तो मैं आपको फोन करता हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ जैसे मन में आए वैसे बात। ओके, ट्रिंग ट्रिंग। हेलो सर। हाँ जी रेनू मैम, कैसे हैं? शरद बोल रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में। तो इनफैक्ट मैं काफी समय से सोच रहा था आपको कॉल करूँ। क्या चल रहा है वैसे ओवरऑल? सारे घर में ठीक हैं? बढ़िया आंटी जी? हाँ जी सर, सब बढ़िया है सर, लेकिन लॉकडाउन है तो बस घर के अंदर है और इस टाइम तो जिससे पूछो बस सब परेशान ही है, बहुत बुरा हाल चल रहा है सर। एब्सोल्युटली नहीं, आप एकदम सही कह रही हो कि बाहर जाना होता नहीं है, बच्चे तो हमसे भी ज्यादा परेशान है। यस सर, और जिनके छोटे बच्चे हैं सर वो बहुत ज्यादा परेशान है। सही बात है, एक तो स्कूल नहीं जा रहे, सारा दिन घर में शरारत करते रहते हैं। और मुझे भी अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे बच्चा मेरे मुझे कह रहा है कि पापा पापा इधर आओ। सो यू आर राइट, बट यू आर एबल टू मैनेज, मतलब भाई साहब का वैसे काम काम ठीक चल रहा है? भाई साहब का काम तो बस इस टाइम पे सही नहीं चल रहा, वैसे पहले बढ़िया था लेकिन लॉकडाउन में तो देखो थोड़ा सा, आप किसी से भी बात करोगे इस टाइम पे तो मतलब कोई भी वो नहीं चल रहा, मतलब इतना अच्छा नहीं है चल रहा है। यू आर राइट। पर मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था और आप मतलब मेरी वाइफ तो आपकी फैन है, जिस हिसाब से आपने अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट करी और अपने परिवार को भी देखा, यहाँ पर भी आपने अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए, आप बताते रहे हो मुझे लॉकडाउन के जो चैलेंजेस है, बट यू आर एबल टू मैनेज वेरी वेरी फाइनली। आई थिंक थैंक यू सर, मेरी वाइफ भी आपकी फैन है, मैं भी आपका फैन हूँ, जिस हिसाब से आप अपना पूरा घर परिवार भी देखते हैं और बिजनेस भी देखते हैं, रियली हैट्स ऑफ। थैंक यू। मैं मुझे ना आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी, जस्ट वन मिनट इफ यू हैव, बस एक मिनट लूंगा।
हाँ जी, मैंने ना हाँ जी, आपको आपको बोलिए पता ही है मैम, बोलिए। लॉकडाउन में थोड़ा सा बिजनेस तो और जॉब्स का तो हालात थोड़े से ढीले ही हैं, तो मैंने ना मैम एक बिजनेस शुरू यस, किया है अभी, पिछले तकरीबन मुझे 6 महीने हो चुके ओके हैं, और अब मैं अपना बिजनेस ना ओके स्प्रेड कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ फरीदाबाद में। ओके ओके मैम मुझे सिर्फ इतनी मदद ये चाहिए कि मुझे आपसे ना दो ये दो तीन जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हो, दो तीन लोगों के नंबर अगर आप दे दें जो बिना पैसे के बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हो, जस्ट 2-3 कॉन्टैक्ट्स जो बिना पैसे सर एक बिना। बार और बोलिएगा कि बिना पैसे के बिजनेस करना चाहते हाँ, हो। बिकॉज अभी हालात ऐसे हाँ हैं, हालात ऐसे हैं, जॉब्स हैं नहीं, जी, हाँ बिजनेसेस जी इतने सर, बुरे हैं, तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आया है जिसमें कि बिना इन्वेस्टमेंट के हम पैसा कमा सकते हैं, बिना पैसे बिना इन्वेस्टमेंट वाओ, किए। तो कोई 2-3 कॉन्टैक्ट्स अगर मैम आपके पास हो जो इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो मेरी भी मदद हो जाएगी, और अगर वो भी इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन वर्क टुगेदर। कुछ होंगे मैम ऐसे कॉन्टैक्ट्स? सर दो तीन भी ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन सर मतलब उनको बताते हुए थोड़ा अगर मुझे कोई जानकारी हो तो मैं उनको बोल सकती हूँ, बिना जानकारी के तो सर कि ओके, इसलिए कोई कुछ दिक्कत आप नहीं मैम, बता तो सकते हैं सर। पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। मतलब हमने एक ओके, हमारी एक मीटिंग है मैम मंडे को 11 बजे, हाँ जी, और मंडे 11 बजे एक मंडे, मीटिंग है और ट्यूसडे 5 बजे शाम को एक मीटिंग है, और जूम के ऊपर डिजिटल मीटिंग है, घर में ही आप ओके अटेंड कर सकते हैं। तो बेशक आप पहले वो ओके मीटिंग अटेंड कर लो जो भी आपको सुटेबल लगे, और फिर अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे थोड़े से कॉन्टेक्ट बता देना, या सर मुझे भी मंडे लग। तो मंडे तो आपको मालूम ही है, बच्चों की आजकल क्लासेस चल रही हैं हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी मॉर्निंग में तो हमारे पास फोन ही नहीं होता है, तो मंडे तो मुश्किल है। हाँ, ट्यूसडे आप किस हाँ, टाइम बता रहे हो सर? ट्यूसडे शाम को 5 बजे है मैम। सर वो हो सकता है, 5 बजे देख सकते हैं। चलो मैं डन कुछ डन पहले डन, जानना चाहूंगी सर, फिर तभी मैं किसी से बात कर सकती हूँ। और आपने श्योर जैसे मैम, बताया कि बिना इन्वेस्टमेंट के, तो ठीक है मैम। तो मैं पर मुझे ना उसमें मतलब हालांकि मीटिंग तो काफी बड़ी होती है, 300 हजार लोग भी आते हैं कई बार, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ 10 लोगों की अवेलेबिलिटी है जो मुझे मिला है सीटिंग का। तो अगर आप मुझे कंफर्म करो 5 बजे ट्यूसडे का, अदरवाइज मैं फिर किसी दूसरे के लिए ये सीटिंग यूज कर लूँ। अगर आप कंफर्म है तो मैं आपके लिए ओके फिर सीट मैनेज मैं ब्लॉक रखूंगा, मतलब नहीं सर, आप मेरा तो कंफर्म कर दीजिए, डन डन। मैं ना आपको मैं भी एक बार में व्हाट्सएप जरूर पे, जानना चाहूंगी। श्योर मैम, मैं अभी आप ना आपको मैं व्हाट्सएप पे मीटिंग की डिटेल भेज देता हूँ, और एक बार बात भी कर लेंगे अगर कोई चैलेंज आया कनेक्ट करने में, ठीक है? तो फिर ट्यूसडे 5 बजे मैं आपकी ओके सीट कंफर्म कर रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक चलिए, थैंक यू मैम, और यू सब सर, बढ़िया, थैंक फर्स्ट क्लास। यू। एक बार हाँ जी लॉकडाउन सर, खत्म हो सब फिर मिलते बढ़िया। हैं। हाँ जी, चलो, हाँ जी, जरूर जरूर, श्योर, ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो अभी हमने क्या किया यहाँ पे अगर आप देखें, सो रेनू मैम से हमें अपॉइंटमेंट मिल चुकी है ट्यूसडे 5 बजे की। तो मैं भी यहाँ पे रेनू मैम से पूछना चाहूंगा कि जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनके मन में क्या कैसा कैसा मतलब कैसा लग रहा था। रेनू मैम एक बार अगर आप दोबारा से अपना वीडियो ऑन करें, सो मैम जब हमने बातचीत सर करी हाँ तो क्या जी, आया आपके मन में? हाँ जी सर, जैसे आपने जिस तरीके से बात करी कि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस है, और आज का जो दौर चल रहा है जिसमें सभी परेशान है, तो उसमें मन में यही आ रहा था कि ऐसा क्या है। तो आपने भी नहीं ऐसा बताया, क्या लेकिन मन है? में चल रहा था कि ऐसा क्या है, कि ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो वो दिमाग में थोड़ा चल रहा था कि क्या बिल्कुल, है कि मैं जानूं और ट्यूसडे आए और उसका इंतजार करूं। एब्सोल्युटली। सो अगर हम ध्यान से देखें जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, तो मन में थोड़ी हाँ जी जिज्ञासा सर, पैदा हुई जानने की, ऐसा क्या है बिजनेस जो बिना इन्वेस्टमेंट के किया जा हाँ सकता है, राइट? यस सर, यस सर, जितनी बड़ी ये जिज्ञासा होगी उतनी आसानी से ही आपके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं ज्वाइन करेंगे। तो ये भी आया मन में कि इससे पहले कि मैं अपने 2-3 दोस्तों के नंबर बताऊं, मैं उससे खुद क्यों पहले ना ये सर मैं बिजनेस कर खुद करूं। लूं। यस, उनको बताने से पहले ये है कि पहले मैं खुद जान लूं, तो हो सकता है फायदा मुझे ज्यादा हो जाए। यस ट्रू सर, ट्रू ट्रू। और कभी ऐसा लगा ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन कि मैं कुछ आपको थोप रहा था या जबरदस्ती आपको कह रहा था कि आप अटेंड करो ये मीटिंग, कुछ ऐसा तो नहीं लगा? नहीं सर, सर आपने मतलब एक पॉइंट दे दिया था जिससे कि मन में ये तो आया ही नहीं ख्याल, ये ख्याल आया कि ऐसी कौन सी है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और यस, ऐसा क्या है, तो वो एक मन में था, तो ऐसा कुछ मन में नहीं आया, ऐसे ही लगा कि एब्सोल्युटली मैं जानू क्या एब्सोल्युटली, है।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एक बार दोबारा ड्यूरिंग दिस कॉल बात करेंगे बेशक. थैंक यू सो मच. सो आइए दोबारा से मैं यहाँ पे स्क्रीन, थैंक यू मैम, दोबारा से यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. और जो हमने बात की थी 5C की, अब इसको अब हम ध्यान से समझेंगे और अब हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम इस रोल प्ले को ब्रेक करेंगे. तो जैसे ही मैंने रेनू मैम को जब फोन किया, सबसे पहले हमने उनका हालचाल पूछा, घर परिवार के बारे में बात करी, बच्चे कैसे हैं, भाई साहब की जो बिजनेस कैसे चल रहा है, माता पिता जी कैसे हैं, क्या यू नो हालचाल है, ताकि वो भी एट ईज हो जाए, हम भी एट ईज हो जाए, थोड़ी सी रेपो बिल्ड हो जाए. डायरेक्टली हम इनवाइट नहीं करते, डायरेक्टली सब्जेक्ट पे नहीं जाते, पहले आप उनका हालचाल पूछिए. उसके बाद हमने उनकी तारीफ करी, उनको कॉम्प्लीमेंट दिया. और कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया कि मेरी वाइफ आपका यू नो आपकी फैन है, आपने जिस हिसाब से अपनी फैमिली को हैंडल किया, जिस हिसाब से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी, दिस हैज टू बी जेन्युइन. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हमारे यू नो रिलेटिव्स में फरीदाबाद में रहते हैं, उनको एक बार ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो आपने या आपके यू नो हस्बैंड ने ब्लड उनको दिया था, तो अभी भी वो आपका धन्यवाद करते रहते हैं. या आप जिस हिसाब से गाना गाते हैं, या जो आपका खाना आप बनाते हैं, या व्हाटएवर. सो दिस तारीफ हैज टू बी जेन्युइन. एंड लेट मी टेल यू, जब आप तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा, यार वाओ, पहला बंदा मिला है जो मेरी तारीफ, पहला बंदा तो नहीं, इनफैक्ट यूजुअली तारीफ करने वाले लोग मिलते नहीं है. और घर में तो यू नो जो यू नो हाउस वाइफ्स हैं या कोई भी, सारा दिन वो काम करते हैं, उनको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते नहीं है. सो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, सामने वाला ओपन हो जाता है आपसे बातचीत करने के लिए. देन थर्ड पॉइंट, हमने क्यूरियोसिटी बिल्ड करी. यहां पर हमने क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करी, जैसे कि मैंने बोला दिस वॉज अ इनडायरेक्ट अप्रोच. हमने ये बताया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए. तारीफ हम कर चुके हैं, उसके बाद मैं मदद मांग रहा हूं, तो वो रेडी होंगे मदद करने के लिए. मदद क्या चाहिए, दो तीन कॉन्टैक्ट्स दे दो जो बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हो. उनके मन में भी जिज्ञासा आ गई, यार ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है, और वो कॉन्टैक्ट क्यों शेयर करें, सबसे पहले वो क्यों ना यू नो इस बिजनेस के बारे में पता करें. जिज्ञासा आई, उन्होंने पूछा कि बताइए क्या बिजनेस है. हमने कंट्रोल रखा, हमने हम यहां पर नहीं बताएंगे. हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया रेनू मैम ने कि नहीं नहीं अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए. अगर वो कहें कि बताइए बताइए, तो आप उन्हें कहिए कि मंडे 3 बजे, ट्यूसडे 5 बजे, व्हाटएवर. अभी बताना सही नहीं रहेगा. आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी नहीं है, जो मीटिंग में आएंगे वो एक्सपर्ट होंगे, तो आपको कंट्रोल रखना है, यहाँ पर नहीं बताना. ट्रेलर जब आता है किसी भी मूवी का, उसमें जिज्ञासा बिल्ड की जाती है, उसमें जिज्ञासा को खत्म नहीं किया जाता. और उसके बाद फिर हमने मैम से कमिटमेंट ली कि मेरे पास सिर्फ 10 सीट्स हैं, अगर आपने नहीं आना तो आपकी सीट मैं किसी और को दे दूंगा. तो हमने उनसे कमिटमेंट ली. सो दिस इज दी 5C ऑफ इनविटेशन. आई होप आपको इस रोल प्ले से ये समझ में आया होगा कि किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है. तो इस तरह से दिस इज वन ऑफ दी वे, ये काफी सारे तरीकों में से एक तरीका है कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई प्रश्न है अभी चैट बॉक्स में, तो अभी हम पूछ सकते हैं इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद वाली जो टेक्निक हम सीखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, दैट इज अ सुपर सुपर टेक्निक. मेरी वो फेवरेट टेक्निक है. अगर आपको वो टेक्निक आ गई, तो आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, ज्यादातर लोग आपकी मीटिंग में आएंगे. सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, और मे बी वी कैन टेक द क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन इज ओवर. सौरभ किसी का सर अभी आई थिंक बिकॉज इट टेक सम टाइम, सो वी विल टेक योर क्वेश्चंस आफ्टर. नो दैट्स ओके, मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल को अनम्यूट कर लो. सो यहां पे एक क्वेश्चन आया है कि फॉर्म का मतलब क्या है. फॉर्म का मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन. रिक्रिएशन यानी कि सैर सपाटा. एंड एम इज फॉर मनी, तो आप उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो. ऑक्यूपेशन यानी कि नौकरी, बिजनेस के बारे में पूछ सकते हो. रिक्रिएशन यानी कि सैर सपाटा, मूवी देखने गए, मैच देखने गए या नहीं, या अभी नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन है, कहीं घूमना फिरना नहीं हो पा रहा. और मनी,
बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस तो बहुत ढीला चल रहा है, जॉब के हाल बहुत माड़े हैं वगैरह वगैरह. तो फॉर्म इज फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन एंड मनी. सो सौरभ कैन यू सी एनी अदर क्वेश्चन? यस सर. सो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते टाइम वो पहले ही बोल देता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो तभी करके हमने ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है और क्यूरियोसिटी पैदा करनी है. अगर आपका जो आपकी जो सफलता का राज है वो इनवाइट करते हुए कितने अच्छे तरीके से आप जिज्ञासा पैदा कर पा रहे हो इसी के ऊपर छिपा हुआ है. तभी करके हमने ये एक रोल प्ले देखा जिसको हमने बोला इनडायरेक्ट अप्रोच. या सौरभ इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन. सर जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है